वेलकम बैक। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड सेगमेंट। लास्ट सेगमेंट आई हैड कंप्लीटेड विद द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हिच इन्वॉल्व्स थ्री डिसीजंस, दैट इज आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजंस। अलॉन्ग विद दैट वी हैड ऑल्सो स्टडीड द फैक्टर्स दैट आर वेरी क्रूशियल वाइल चूजिंग दीज डिसीजंस। यानी कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो पार्ट था बच्चा, वो हमारा ये बताता है कि हम जो फंड्स हैं उनको हम कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन जब आप एक साल के लिए अपना बजट को प्रिपेयर करते हो, विच यू रेड इन द प्लानिंग चैप्टर, प्लानिंग दैट वाज अ ब्रॉड चैप्टर, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग इज पर्टेनिंग टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट। एंड इसके अंदर हम लोग करते हैं, एंड इन योर एग्जाम ऑल्सो दिस कम्स, दैट किस चीज को हम प्रिपरेशन ऑफ अ ब्लूप्रिंट बोलते हैं। ब्लूप्रिंट आपको पता है आपके एग्जाम के अंदर आता है, सॉरी, फर्स्ट चैप्टर जो है उसके अंदर से 3 क्वेश्चन आएंगे एंड दे वुड बी 1 × 3 मार्क्स, यानी कि 3 मार्क्स का होगा। तो आपको अंदाजा हो जाता है कि फर्स्ट चैप्टर को मुझे कितना वेटेज देना है, सेकंड चैप्टर को मुझे कितना वेटेज देना है। सिमिलरली आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग होता है, दैट्स अ ब्लूप्रिंट फॉर द फ्यूचर ऑपरेशंस। एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, अभी हम लोगों ने उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, अब इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर इनफ फंड्स आर, इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनफ फंड्स आर अवेलेबल व्हेन वी नीड इट। यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट, हम लोग जो मतलब कि फाइनेंसिंग बोल रहे हैं, तो जब हम इन्वेस्टमेंट करना हो या कोई काम करना हो तो वी शुड हैव इनफ फंड्स। एंड सेकेंडली इट शुड ऑल्सो बी दैट कि द कंपनी, द फर्म इज नॉट रेजिंग कैपिटल अननेसेसरीली। दूसरा काम क्या है, दूसरा है आपका कि भाई जो फर्म है इट इज नॉट, मतलब कि विदाउट रीजन जो है वो पैसा नहीं उठा रही है। एक तो हमें पता होना चाहिए कि जब हमें जरूरत है तो जो हम वर्ड बोलते हैं रिटेन्ड फंड, तो जो रिटेन है वो हमारे पास होना चाहिए फर्स्ट। एंड सेकेंड इज दैट इट शुड नॉट रेज अननेसेसरी, और तब वो तभी पता लगेगा व्हेन यू हैव अ प्रॉपर ब्लू प्रिंट, यू हैव वॉट यू कॉल एज अ कंप्लीट बजट। इफ एडिक्वेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल, द फर्म विल नॉट बी एबल टू ऑनर इट्स कमिटमेंट और कैरी आउट इट्स प्लान, राइट। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ एक्सेस फंड्स आर अवेलेबल, इट विल अननेसेसरीली एड टू द कॉस्ट एंड मे एनकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग करना जरूरत है। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड, फाइनेंशियल प्लानिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू, मतलब कि या सब्स्टिट्यूट टू फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग और मैनेजमेंट दो अलग वर्ड्स हैं। इट्स नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब है मैनेज करना, संभालना, और प्लान का मतलब है फ्यूचर के लिए सोचना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्स एट चूजिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल ऑल्टरनेटिव्स, यानी कि क्या कॉस्ट है क्या बेनिफिट है। उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, मतलब इस तरीके से पैसे को लगाना है ताकि हमारा जो फर्म है उसका, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, मार्केट का जो, मार्केट की जो वैल्यू वो ऊपर जा रही है। ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियल प्लानिंग ऑन द अदर हैंड एम्स एट स्मूथ ऑपरेशंस बाय फोकसिंग ऑन फंड रिक्वायरमेंट्स, देयर अवेलेबिलिटी इन द लाइन, इन द लाइट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। मतलब जो फाइनेंशियल डिसीजन वाला जो पोर्शन है उसके अंदर इसकी अहमियत ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, अभी जो आपसे मैंने पूछा था लॉन्ग टर्म बजट, द अदर नेम फॉर मतलब कि लॉन्ग टर्म बजट, द ऑपरेशंस आर लाइकली टू बी एट हायर क्लास स्केल, द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस आर लाइकली टू इंक्रीज। यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म बजट लेना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो लेना चाहते हो, फिर क्या करना पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये है कि
इसके साथ जुड़ी हर चीज आपकी बड़ी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो रेवेन्यूज भी आपके होंगे लेकिन एक्सपेंसेस भी होंगे, राइट? फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ट्राइज टू फोरकास्ट ऑल दोज आइटम्स विच आर लाइकली टू अंडरगो चेंजेस, यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रेजेंट को फोकस करता है और प्लानिंग आपका फ्यूचर को. इट एनेबल्स द मैनेजमेंट टू फोरसी द फंड रिक्वायरमेंट बोथ क्वांटम एज वेल एज टाइमिंग, मतलब कब हम लोगों को कितनी जरूरत होगी, हम लोगों को कब और कितनी, दोनों जो है आपको देखना है. लाइकली शॉर्टेजेस एंड सरप्लस आर फोरकास्ट सो दैट नेसेसरी एक्टिविटीज आर टेकन इन एडवांस टू मीट दोस सिचुएशंस. अगर आपको लगता है कि आपके फंड आपके पास सरप्लस है तो आप उसको यूज कर सकते हो, शॉर्टेज हो सकती है आपको लगता है तो फिर आपको उस सिचुएशन को भी डील करना कि उस सिचुएशन में आप क्या करोगे. सो द ट्विन ऑब्जेक्टिव विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, द ट्विन ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट एंश्योर अवेलेबिलिटी वेन एवर रिक्वायर्ड, दिस इंक्लूड, और ये आपका वन मार्कर क्वेश्चन है, या फिर डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल प्लानिंग. प्लीज आप ये दोनों चीजों को देखें. इट मे बी मतलब कि वन मार्कर क्वेश्चन बट अ सिंपल वन. इसमें एक कैसे आएगा, अब आप सोचोगे वन मार्कर में मैम इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा, तो मे बी इट इज अ केस स्टडी. और दूसरा सिंपल वन एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ एंड अनदर वन एम्स एट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वेन एवर रिक्वायर्ड एंड दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली. मतलब आपको जो आइडेंटिफाई करना होता है वो ये होता है कि वन एम्स एट दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, यानी कि इसमें आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्लानिंग दोनों बता दिया है. प्लीज डू रिमेम्बर दिस इंक्लूड अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड, जो आपको टाइम टू टाइम आपको जरूरत पड़ेगी, दैट इज आपको लॉन्ग टर्म एसेट के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी जो हमने ऊपर देखा है उसके बेसिस पर हम करेंगे. देन शॉर्ट टर्म में आपका डे टू डे में कितना पड़ेगा, देन What would be the likely time when these funds are to be made available? So it tries to specify possible sources. Then excess funding is almost even as bad as inadequate fund. That's a very common thing. मतलब ये तो ये वाला जो होता है ना, this is told by all the financial guys. जितने भी होते हैं ना वो कहते हैं कि खाली पैसे को हमें कभी भी पैसों को जो है आइडल नहीं रखना चाहिए. आइडल फंड इज एक्चुअली वेस्ट. And we should invest it somewhere else there where it could yield a better return. Even if there is some surplus money, good financial planning would put it into the best possible use for financial resources are not left idle and don't unnecessarily add to the cost. आपके पास पैसा पड़ा, आपने कर्जा भी ले लिया, फायदा क्या होगा? आपके पास पैसा पड़ा, it is not going to give you anything. जो आपने कर्जा लिया उस पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. एंड देन इफ इट इज मतलब की रेज थ्रू द शेयर्स तो फिर उसके उससे रिलेटेड भी आपको करना पड़ेगा. सो यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉपर प्लानिंग, दस अ प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड रिक्वायरमेंट्स एंड देयर अवेलेबिलिटी इज थॉट टू बी अचीव बाय फाइनेंशियल प्लानिंग. मींस एस्टिमेट करना फंड रिक्वायरमेंट, देन व्हाट कैन बी द सोर्सेज उसको स्पेसिफाई करना एग्जैक्टली. इट टेक्स इनटू ग्रोथ द
into consideration the growth, performance, investment and requirement for fund for a given period. हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑल द कंपनीज मेक एनुअली, बट फॉर सम कंपनीज वेयर द उनका जो मतलब कि फंड जो उनका सर्कुलेशन है वो ज्यादा है, देन दे इवन गो फॉर हाफ ईयरली और क्वार्टर. सो इट इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग. लॉन्ग टर्म रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट. इट फोकसेस ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम, एंड जो शॉर्ट टर्म है that covers short term financial plan called budget. आपको ये भी याद रखना है. And next time before joining, I'll be again asking these questions. Typically, financial planning is done for 3 to 5 years. For longer period, it becomes more difficult and less useful. Plans made for a period of 1 year or less are termed as budgets. As I said, in some companies they go for even the quarterly, aise bhi karke banate. Budget are example of financial planning exercise in greater detail. They include detailed plan of action for a period of 1 year or less. Aur uske upar aapka jayega, so then it is called as a proper plan. It begins with, ye bhi aapke paper mein aaya hai. Usually begins with, और ये आपका आया था as MCQ, and I think this came in CUET, not in the boards, but it came in CUET. ये आपके CUET में आया था कि dash usually begins with the preparation of sales forecast. मतलब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अगले साल हमारा कितना sales हो सकता है, है ना. अब कितना सेल्स होगा तो उतना प्रोडक्शन होगा, कितना प्रोडक्शन होगा तो उसके लिए क्या चीज हमें चाहिए होगी. लेट अस सपोज अ कंपनी इज मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान फॉर नेक्स्ट 5 years. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल मेक एन एस्टिमेट व्हाट आर द सेल्स व्हिच आर लाइकली टू हैपन. देन बेस्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स कीपिंग इन माइंड द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड फॉर इन्वेस्टमेंट, देन working and fixed capital, then the expected profits, मतलब कि हमारा कितना हो सकता है, उसमें से हम कितना retain कर सकते हैं, कितना हम divide कर सकते हैं. This results in estimation of requirement of external funds. Therefore, sources from which external funds requirement can be met are identified. Cash budgets are made incorporating these factors. For example, let us come to a very simple one. हम लोगों ने जो है सोचा है कि नेक्स्ट ईयर, मैं 5 साल का नहीं लेके चल रही हूँ, मैं नेक्स्ट ईयर सुन रही हूँ, कीपिंग इन माइंड द करंट ट्रेंड की लोग जो है इस मतलब कि दे लाइक टू बाय दीज प्रोडक्ट्स. आजकल लोग ऑर्गेनिक को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, आजकल लोग वेगान वेदर लेदर को बहुत प्रेफर कर रहे हैं, तो माई कंपनी हैज मेड दैट की नेक्स्ट ईयर द लाइकली सेल्स, यानी कि जो मुझे पैसा मिलेगा, आई एम टॉकिंग ओनली द पैसा मिलेगा, विल बी 1 lakh rupees. ये आएगा नहीं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, राइट. तो नाउ दिस विल बी आई मतलब कि ये मेरी अर्निंग होगी. दिस इज व्हाट आई सेड, इट इज माय अर्निंग, इट्स नॉट माय प्रॉफिट, इट्स माय अर्निंग. तो सबसे पहले मैंने ये देखा, तो अब मुझे ये जो अर्निंग मैं लगा रही हूँ करंट ट्रेंड को लेकर, आई हैव एनालाइज द मार्केट और मैंने लगाया कि मेरा मतलब कि 1 lakh rupees जो है आई एम मतलब कि एक्सपेक्टिंग पर मंथ, और मतलब कि मेरा जो है आई एम गोइंग टू गेट दिस रेवेन्यू. सो नाउ आई व्हाट आई विल डू इज 1 lakh multiplied by 12 is equal to 12 lakh rupees. तो अब मैंने ये तो लगा रहे मेरा 12 lakh rupees मेरे पास आने वाला. अब ये 12 lakh कैसे आएगा, हाउ विल इट कम. तो नेचुरल है कि मुझे, मैं जो हूँ ये बताऊंगी कि 1 महीने में इतने, अगर मैं 1 lakh rupees बोल रही हूँ, दैट मीन्स मेरी कोई सेल्स की भी तो क्वांटम होगी ना, कितना मैं बेचने वाली हूँ, हाउ मच आई एम गोइंग टू सेल. आई मतलब कि मैं ले रही हूँ मतलब कि द बैग, मैंने लिया है वेगान बैग, मतलब आई हैव टेकन दिस एज अ एग्जांपल. तो नाउ व्हाट आई सी कि 1 महीने में
मेरी सेल्स कितनी होगी जिससे कि मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ मुझे मिल जाए, यानी कि मुझे उतने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे। 1 लाख रुपए मैंने लगाया है से मेरी जो बैंक की कीमत है वो 5,000 है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे 20,000 यूनिट्स बनाने हैं। अब 20,000 यूनिट बनाने के लिए आई वुड बी रिक्वायरिंग, मतलब कि मुझे जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगा, यानी कि मुझे मशीन या जो भी उससे रिलेटेड चीज खरीदनी है वो देखूंगी। देन मेरा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा मैं वो भी देखूंगी, यानी आई बी इन सारी चीजों को भी आई बी मेकिंग अ बजट, इनका मैं एक बजट बनाऊंगी, इतना इतना मुझे पर मंथ मुझे जरूरत होगी। देन मैं क्या करूंगी, आई बी मेकिंग द कॉस्ट, मैं कॉस्ट को देखूंगी भाई मेरे को लेदर कितने का मिलेगा, मेरे को ये चीज कितने की मिलेगी। एंड अल्टीमेटली ये जो 1 लाख है ये मेरी अर्निंग है क्लास 12, तो मैं अंदाजा लगाऊंगी कि पर मंथ आई वुड बी अर्निंग से 20,000 मेरा प्रॉफिट होगा, 80,000 मेरे खर्चे होंगे एंड 20,000 विल बी माय प्रॉफिट। ठीक है, तो जब अब ये 20,000 प्रॉफिट है तो नेचुरल है कि 20,000 मेरे पास तो रहेंगे नहीं, मुझे अपने शेयर होल्डर्स को भी देने हैं, तो देन आई विल ऑल्सो डिसाइड कि भाई कितना मैं मतलब कि डिविडेंड देने वाली हूँ एंड एग्जैक्टली मैं कितना फंड रिटेन करूंगी फॉर माई नेक्स्ट फ्यूचर। और ये पूरा जो मैं बना रही हूँ ना, ये जो पूरी ब्लूप्रिंट बना रही हूँ ना, उसको मैं कहती हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि अंदाजा लगाकर एक मेंटल एक्सरसाइज है। एंड वी वुड बी सीइंग कि कितना मुझे कैश रिक्वायरमेंट रहेगा, कितना मुझे इस तरीके से रिक्वायरमेंट रहेगा। तो व्हाई डू वी नीड, बिकॉज प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ, फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग। आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग प्लानिंग इज अ ब्रॉडर सब्जेक्ट, आपका जो प्लानिंग है वो ब्रॉड है एंड फाइनेंशियल प्लानिंग उसमें से एक छोटा सा हिस्सा है। इट एम्स एट इनेबलिंग द कंपनी टू टैकल द अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी टाइमिंग्स एंड ऑल्सो द फंक्शनिंग। इट हेल्प्स इन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, सो आई विल नॉट फोकस ऑन दिस, जहां मेरा होगा आई विल बी पुटिंग इट, दिस आई एम जस्ट पुटिंग। इट हेल्प्स इन फोरकास्टिंग व्हाट मे हैपन। एज आई सेड, अगर मुझे 20,000 यूनिट बनाने हैं तो सॉरी मुझे अगर मतलब कि 20,000 यूनिट बनाने, तो व्हाट कैन बी द लाइकली सिचुएशन, जनवरी में क्या सिचुएशन होगी, उसमें क्या होगी, मतलब मेरे जो सप्लायर्स हैं उनका क्या मतलब कि रवैया है, व्हाट इज द क्रेडिट आई एम गेटिंग, व्हाट विल बी द क्रेडिट आई एम गोइंग टू गिव, मतलब आई विल बी पुटिंग इन टू पेपर एवरीथिंग, सो द फर्म विल बी एबल टू फेस एन इवेंचुअल सिचुएशन इन अ बेटर मैनर। इन अदर वर्ड, इफ इट इज प्रिपेयर टू फेस द फ्यूचर, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रोथ ऑफ 20% ऑफ सेल्स इज प्रेडिक्टेड, इट मे हैपन इवेंचुअली इट मे टर्न टू 10 और इवन 30%। हमने उम्मीद की है प्रेजेंट को रख कर कि भाई 20% होगा, लेकिन हो सकता है अगले साल 10 ही हो। द अगेन द सेम ओल्ड रॉटन एग्जाम्पल ऑफ कोविड, कोविड से पहले सारी की सारी जो कंपनीज थे दे वर फ्लाइंग हाई बट दे हैड 0%, दैट्स द वन। मेनी टाइम्स ऑफ एक्सपेंसेस शैल बी मेनी आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस शैल बी डिफरेंट इन 3 डिफरेंट सिचुएशन, सो वी वुड बी प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर द 3 डिफरेंट सिचुएशंस एंड देन द मैनेजमेंट मे डिसाइड। This preparation of alternative financial plan to meet different situation is clearly immense in help in running the business smooth. Secondly, it helps in avoiding the business shocks and surprises. ये आपका जो है 1 marker question में आया है कि किस चीज से हम business shocks and surprises को बचा सकते हैं। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर फाइनेंसिंग, इट इज फॉर ओवरऑल प्लानिंग। अगर हमने प्लान कर रखा है, अब जैसे कि व्हेन आई एम गिविंग यू द यू नो द होमवर्क, द फर्स्ट थिंग व्हाट आई टेल ऑन अ वेरी सीरियस नोट दैट यू शुड रीड इट, बट हाउ यू डू इट इज द शॉक। अगर आप प्लान करके नहीं चलोगे तो डेफिनेटली यू शुड बी
ready for your shock in the pre-books. You should be ready. प्लानिंग करने के बाद भी हम रेडी होते हैं कि भाई ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हम एक तरफ से आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, बट व्हेन इट कम्स समथिंग एल्स मे बी देयर. तो प्लानिंग हेल्प्स यू टू डील दोस शॉक्स इन अ बेटर मैनर. प्लान किया है तो बेटर मैनर में आप कर सकते हो, रैंडमली करोगे तो नहीं होगा. और फाइनेंशियल प्लानिंग इज वेरी क्रूशियल बिकॉज इट डील्स विथ मनी. इट हेल्प्स कोऑर्डिनेटिंग द फंक्शंस, क्योंकि आपने अगर प्लान किया है, आपने सेल्स को मतलब कि फोरकास्ट किया है, तो आप अपने प्रोडक्शन के मैनेजर्स, अपने दूसरे टीम सबके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो, उनको क्लियर पॉलिसीज बता सकते हो, प्रोसीजर बता सकते हो. डिटेल्ड प्लान ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्ट, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग. इट ट्राइज टू लिंक प्रेजेंट विद द फ्यूचर. दैट इज एक्चुअली द डेफिनेशन विच वी गिव फॉर प्लानिंग. प्लानिंग का जो डेफिनेशन है वो यही है, अभी क्या है और कल क्या रहेगा. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कॉन्टिन्यूअस बेस. कहाँ पे हमने इन्वेस्ट करना है और उसके लिए हम पैसा कहाँ से लाएंगे. नाउ लेट अस कम टू दिस पॉइंट. व्हाई? बिकॉज दिस इज द नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं वो यही है. अब हमें इन्वेस्ट करना है, राइट? हमने मतलब प्लान में बना रखा दैट वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट. सोचा है हमने कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है से 1 करोड़. वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट 1 करोड़. तो नाउ व्हेन इट इज 1 करोड़ हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो डेफिनेटली 1 करोड़ वी आर नॉट गोइंग टू टेक डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट. तो पहले हमने जो ब्लूप्रिंट बना रहे हैं उसके अंदर वी वुड बी ट्राइंग टू फाइंड आउट कि भाई 1 करोड़ में मैं अपना कितना रिटेन्ड अर्निंग को रख सकती हूँ, पहला. दूसरा, अगर मैं लोन लूंगी तो मेरे पास कैश इन हैंड कितना रहेगा टू रीपे द अमाउंट एंड पे द इंटरेस्ट. एंड देन जो डिविडेंड हमारा आ रहा है, मतलब कि जो हमने प्लानिंग में बना रखा है, सो व्हाट वुड बी द लाइकली इफेक्ट ऑन डिविडेंड इन द फर्दर केस. इसको वो जो है मतलब कि दैट गिव्स दैट कॉन्टिन्यूअसली इट वुड बी लिंकिंग. By spelling out detailed objective of various business segment, it actually makes evaluation of actual performance easy. Planning hoti hai bachche, haan, planning should not be unrealistic. But planning needs to be in such a manner ki aane wale time mein koi bhi business shock ho, usko bhi hum pura kar sakte hai. Plus, hamare paas kitna paisa hai, jo upar humne ek baat padhi thi na, the firm should not raise the capital unnecessarily. वो यही वाला पॉइंट है. अगर आप क्या मतलब कि यू आर मतलब कि एक्सपेक्टिंग दिस थिंग, तो आपको इसमें से कितना रिटेन्ड अर्निंग रखना है, तो आपको आपको एक अंदाजा होगा आपके पास कितना है, कितना रखना है, कितना चाहिए. एंड ऑल दीज कैन बी डन ओनली वेन यू प्लान इट मेटिकुलसली विथ कंप्लीट डिटेल्स. हाँ, प्लानिंग डज नॉट इंश्योर दैट यू आर कंप्लीटली मतलब कि आप सेफ हो, बट टू सम एक्सटेंट इट विल प्रोवाइड यू. हम भी कितनी चीजें प्लान करते हैं. आई प्लान फॉर द एंटायर मंथ एंड आई एम वेरी मेटिकुलस फॉर माई सेल्फ. मतलब मैं अपने लिए बोल रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई फैमिली और एनीथिंग. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई सेल्फ. आई एम वेरी पर्टिकुलर फ्रॉम डे वन. आई डोंट नो, माई मॉम टॉट मी बजटिंग व्हेन आई वॉज अ वेरी स्मॉल किड. Actually, she used to make it on a piece of paper and every day she would be writing those things. And I, that was a time I learned. Until date, I plan my things for 1 year. Ab mano ya na mano, main pure ek saal ka plan bana kar chalti hoon. This will be the revenue, this will be my ye, main is par kharch karungi. And when I feel that yes, I have everything, then I plan for something which may be expensive. That is why in my family I'm called as miser also. And certain times they will say, yeah, finance padhati ho to yehi kaam karo. And on the other hand, for my own education also, jaise aaj aapko financial management padhana hai, maine sab kuch ready kar rakha hai. Mere ko matlab ki if I need the book, I'll be keeping it. If I need the matlab ki if I need some, iske liye mujhe pictures lagani hai, wo bhi maine nikal ke rakhungi. I make it on Canva. To wo bhi main nikal ke bana lungi. I have made it till
डे आफ्टर टुमारो, मतलब आपका मंडे तक का मैंने बना रखा, तो इन केस मुझे कहीं जाना पड़ता आना पड़ता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव प्लान एवरीथिंग इन वेल। तो प्लानिंग जो है आपको हर तरीके से इम्पोर्टेंस देती है, एंड फाइनेंशियल प्लानिंग बिकम्स वेरी वेरी क्रूशियल, बिकॉज कंपनी का पूरा जो स्ट्रेंथ होता है ना बच्चा, वो फाइनेंस पर ही टिका होता है। बिजनेस का जो एक हम कहते हैं ना, बिजनेस इज अ ब्लड, मतलब कि फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन। उनमें लोगों का पैसा लगा है, हमारा पैसा लगा है, देन देर आर सो मेनी डील्स, सो मेनी हम लोगों ने जो मतलब कि लोन दे रखा है, तो एवरीथिंग हैज टू बी इन द राइट मैनर। दैट इज व्हाई नॉट एवरीवन बिकम्स अ कैपिटलिस्ट, व्हाई इंडिया इज हैविंग बंच ऑफ कैपिटलिस्ट, दिस इज द रीजन। अब हमारा आता है एक सबसे 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 क्रूशियल, एंड नेक्स्ट क्लास में व्हेन यू आर जॉइनिंग क्लास 12, विदाउट फेलियर All of you must have your notebooks, pen with you. Without failure. That is because if you don't have it and you think that okay, nothing is going to happen, on the other side, teacher ने कौन सा यहाँ पर आकर मुझे मारना है, तो कर्मा इज देयर। मैं नहीं मारूंगी, जिसको मारना वो मार के जाएगा। तो प्लीज ensure that you all are having your notebooks with you, because we will be doing a numerical in this part. So now comes very very important, which is called as capital structure. जब हम planning कर रहे हैं तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा है, और उसमें हमने जब हमने decisions भी लिया है ऊपर, तो हमने देखा था investment decision, financing decision and dividend decision. तो एक फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम लोगों ने एक चीज को सोचा था कि व्हाट शुड बी द रेशियो ऑफ डेट एंड इक्विटी, राइट? तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजन अंडर फाइनेंस मैनेजमेंट रिलेट्स टू फाइनेंशियल पैटर्न और प्रोपोर्शन ऑफ द यूज ऑफ डिफरेंट सोर्सेज इन रेजिंग फंड्स। अगर हम कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हमारे खुद का फंड यानी कि इक्विटी शेयर, दैट कम्स अंडर ओनर्स फंड, एंड इफ वी आर गोइंग फॉर डिबेंचर्स, इफ वी आर गोइंग फॉर लोन, दैट वुड कम अंडर बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व, सरप्लस, रिटेन अर्निंग, एंड बोरोड मतलब लोन्स, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, एनीथिंग विच यू हैव, इट कैन बी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर होल्डर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्सचर ऑफ ओनर्स एंड बोरोड फंड। ये वाला जो रेशियो वाला जो ये वाला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं क्लास 12। इफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, इट वुड बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि आप जो कैपिटल लगाने वाले हो उसको कैसे लगाओगे। अब आपको जो है, आपने सोचा है कि भाई मैं जो हूँ 1 लाख रुपए लगाने वाला हूँ अपने बिजनेस में, तो ये जो 1 लाख रुपए लगाने वाला हूँ, तो ये 1 लाख कहाँ से आएंगे? इसमें से आपका खुद का पैसा कितना होगा और आप अपने पड़ोसियों से, अपने मतलब कि बाकी लोगों से कितना लेने वाले? दैट इज द सिंपल वन। These shall be referred to as equity. मतलब हम सारे preference shares जो भी हमारा ना, इन सबको हम equity के अंदर डालते हैं, and debt in the subsequent test, and it can be calculated as debt to equity ratio or as a proportion of debt out of the total capital. You have to write all these points. ये 3 points में आएगा आपको, debt is to equity का ratio आप देखोगे कि भाई डेप्ट कितना होना चाहिए, और तो डेप्ट कितना होना चाहिए और इक्विटी कितनी होनी चाहिए, दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स, दैट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। द वेरी फर्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ डेट इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बिकॉज द लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क। कैसे? मतलब
डेट का जो कॉस्ट है वो हमें इसलिए सस्ता पड़ता है देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बिकॉज द लेंडर्स रिस्क जो हमें देने वाला है ना, उसको उसको इतना रिस्क नहीं है। इक्विटी शेयर का तो पूरा पैसा डूबेगा, लेंडर का थोड़ी डूबेगा, लेंडर को तो हमें वापस करना ही पड़ेगा, वी हैव टू रिटर्न इट बैक। द लेंडर अर्न्स एन अश्योर रिटर्न एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल, सो दे शुड रिक्वायर अ लोअर रेट ऑफ रिटर्न। एडिशनली इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज अ डिडक्टेबल एक्सपेंस फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। अगर हम डेट को यूज कर रहे हैं तो हमारे को फायदा क्या हो रहा है, मान लो मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला है, तो 1 लाख में से अगर मुझे 25,000 रुपए आई हैव टू पे एज इंटरेस्ट, तो मुझे 25,000 पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मुझे सिर्फ 75 पे देना पड़ेगा। और हो सकता है कि 75 पे जो मैं टैक्स दे रही हूँ वो कम दे रही हूँ। इंक्रीज यूज ऑफ डेट देयरफॉर इज लाइकली टू लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर मैं डेट को यूज करती हूँ तो मेरे ओवरऑल कॉस्ट जो है वो कम हो सकता है। इम्पैक्ट ऑफ अ चेंज, दिस इज द थर्ड पॉइंट एंड दिस इज द फोर्थ पॉइंट। इम्पैक्ट ऑफ अ चेंज इन द डेट इक्विटी रेशियो अपॉन अर्निंग पर शेयर इज डेल्ट विद एन इन डिटेल लेटर इन दिस चैप्टर, जो मैंने आपको बताया है, विच वी वुड बी डूइंग इन द मंडे सेशन। बट डेट इज चीपर, दिस हैज कम इन द एग्जाम ऑल्सो क्लास 12। डेट इज चीपर बट इज मोर रिस्कियर, वाई? चीप तो है क्योंकि हमें टैक्स नहीं देना है, एंड जो उसके लिए ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं लाइक फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह वो नहीं देना है, हमें डेट के लिए सिर्फ जाकर मांगना है लेकर आना है। वेयर इज इन द शेयर होल्डिंग यू हैव टू गो फॉर सो मेनी विगोरस प्रोसीजर्स एंड देन यू हैव टू रेज अ फ्लोटेशन कॉस्ट और उसके पास आपको जाना है, एंड शेयर होल्डर्स को हमेशा ज्यादा डिविडेंड देना पड़ता है, वेयर इज इंटरेस्ट में हमारा कम हो जाता है। बट ऑन द अदर हैंड डेट इज मोर रिस्कियर, क्यों? अगर आपका कैश फ्लो नहीं है, जो ऊपर हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में, अगर आपकी कंपनी में कैश फ्लो नहीं है तो आप रेगुलर इंटरेस्ट रीपे नहीं कर पाओगे, एंड नॉट ओनली यू हैव टू पे बैक द इंटरेस्ट, यू नीड टू पे बैक द प्रिंसिपल ऑल्सो। मान लो आपने 3 साल का डिबेंचर लिया हुआ है, मतलब आपकी कंपनी ने रेज किया है अ डिबेंचर ऑफ 3 ईयर्स, देन आफ्टर 3 ईयर्स यू हैव टू रिटर्न बैक। एनी डिफॉल्ट इन मीटिंग दीज कमिटमेंट्स में पोज अ बिजनेस टू गो इन टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, एसेट्स को बेचकर हमें पैसे को वापस करना पड़ेगा। देयर इज नो सच कंपल्शन इन इक्विटी, भाई इक्विटी में ये सब कुछ भी नहीं है। इक्विटी कॉस्टलियर है लेकिन आपका जो है यू डोंट नीड टू पे बैक, एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो हम लोग रेसिडुअल ओनर्स बोलते हैं, तो जब हम इंटरेस्ट दे देते हैं, प्रिंसिपल दे देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे देते हैं, उसके बाद जो बचता है वो हम इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं। देयर इज नो कंपल्शन इन केस ऑफ इक्विटी विच इज देयरफॉर कंसिडर रिस्कलेस फॉर बिजनेस। हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, मतलब जो रेगुलर आपको देना है, सो इट मे इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ कंपनी। सो फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन, और इसीलिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को जब हम फॉर्म करते हैं हमें ये देखना है कि कितना फंड हमारा यूज हो रहा है, हमें कितना वी नीड टू रेस, और देन अगर हम रेस कर रहे हैं तो देन वी हैव टू थिंक ऑन अदर ग्राउंड्स, क्या हमें मतलब कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा, हमें इंटरेस्ट पर मंथ कितना वापस देना है, हमें ये सारे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी दस अफेक्ट्स बोथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क। अ कैपिटल स्ट्रक्चर विल बी सेट टू बी ऑप्टिमल व्हेन द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इज सच दैट इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी कि अगर हम डेट लेते हैं अपने कैपिटल के अंदर, हम डेट ज्यादा लेते हैं तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं
उनका उनके शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए. ऑल डिसीजंस रिलेटिंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर शुड एम्फसाइज ऑन इंक्रीजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ. आई वुड सजेस्ट, आई हैव डन द प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज. वन मार्कर क्वेश्चन है. पहले ये डायरेक्टली आता था, अर्लियर इट यूज टू कम डायरेक्टली, मीन्स वन मार्कर में आता था, विच मीन्स नो फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज. दिस कम इन द पेपर. द प्रोपोर्शन ऑफ डेट यानी कि कितना डेट. अब अगर हम प्रोपोर्शन कहते हैं तो अगर मैं कहती हूँ 30:70, दिस इज अ प्रोपोर्शन. तो ये जो प्रोपोर्शन मैंने लिया है कि 30 मेरा डेट एंड 70 मेरा मतलब की इक्विटी है, ये जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल लेवरेज. यानी कि इस 70% जो लोग हैं, 70% जो मेरे शेयर होल्डर्स हैं, ड्यू टू दिस 30% उनका शेयर हो उनकी जो शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ेगी. एंड हाउ बढ़ेगी, दिस इज द एग्जाम्पल. टूडे आई एम जस्ट गिविंग यू अ सिंपल वे. फाइनेंशियल लिवरेज इज कंप्यूटेड एज डेट अपॉन इक्विटी, मतलब जो भी आपका 7/13 या फिर 30/70+30 करके हम जो है फाइनेंशियल लिवरेज को देखते हैं. एज द फाइनेंशियल लिवरेज इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ फंड्स डिक्लाइंस बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूज ऑफ चीपर डेट. अगर भी हमारा हमें डेट जो है वो सस्ता मिला है, हमें वी डोंट नीड टू पे द टैक्स, तो हमारा जो पैसा लगा है उस पे हमें जो प्रॉफिट मिलने वाला वो ज्यादा होगा. लेकिन अगर हमने सारी चीजें इंटरेस्ट पे दे दी है और बाद में हम लोगों के लिए हमारे शेयर्स पे कोई अर्निंग ही नहीं हुई है जो शेयर्स हमने लगा रखे हैं, देन इट इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट. The impact of financial leverage on the profitability of the business can be seen through EBIT, यानी कि EBITDA minus EPS, that is earning per share. तो कैसे हम करते हैं? That is the calculation which we would be doing in the next class. There are two. ये है आपका EBIT EPS analysis, and जो next हमारा आएगा वो है trading on equity. This is called as trading on equity. Now, what is this? मतलब एक company है. Just I am giving you a very small gist. एक company है. उनका total fund है 30 lakh. Now they have taken a loan. Say मतलब there are three situations. अब ये जो है नीचे situations हमारे दे दिए हैं. ये situation दिए हैं. ठीक है, 30 लाख उन्होंने लगा रखा है, राइट right? नाउ अब उनका क्या है कि अगर वो एक सिचुएशन में उन्होंने कोई डेट नहीं लिया है, पूरा का पूरा पैसा उनका खुद का है, 30 लाख पूरा, अंडरस्टूड, द एंटायर 30 लाख इज देयर्स. दूसरा है दे हैव टेकन 10 लाख रुपीज लोन एंड 20 लाख उनका खुद का है. एंड तीसरा सिचुएशन है जहां उन्होंने लोन 20 लाख ले रखा और 10 लाख खुद का लगाया. फंड तीनों में 30 लाख ही लगा है, लेकिन जो डेट का रेशियो है एक में 0 है, दूसरे में 10 लाख है, तीसरे में 20 लाख है, राइट right? ये आपका बेसिक है जो आपको गिवन होगा. दिस विल बी गिवन, राइट नाउ आपको दे हैव गिवन यू सर्टेन इनपुट्स कि जो लोन लेंगे किस पर, ये जो 10 लाख और 20 लाख जो लोन लिया है इस पर उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाने वाला है वो है 10% पर आना. एंड जो टैक्स वो देते हैं दैट विल बी 30%. नाउ जो उन्होंने फोरकास्ट किया है अपना एबिट्टा, यानी कि दिस इज कॉल्ड एज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट
एंड टैक्स. एबिटा मतलब ई, एक्चुअल में एबिटा में ए अप्रिसिएशन एक और भी आता है, बट वी आर नॉट यूजिंग इन योर 12th स्टैंडर्ड. ई स्टैंड फॉर अर्निंग, बी स्टैंड फॉर बिफोर, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट एंड टी स्टैंड फॉर टैक्स. ठीक है, अब उन्होंने जो एक मतलब वो रखा है कि उनका जो एक ओवरऑल अर्निंग होगी वो 4 लाख होगी. अभी उन्होंने ना टैक्स दिया है ना इंटरेस्ट दिया है. नाउ यू नीड टू कैलकुलेट इन द थ्री सिचुएशंस. पहला सिचुएशन क्या था कि उनका बेटा 4 लाख है लेकिन उन्होंने कोई लोन नहीं लिया. दूसरा है उनका मतलब कि 4 लाख ही है बट उन्होंने लोन दिया है 10 लाख का. दूसरा है उन्होंने 20 लाख का लोन दिया. ठीक है, तो जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हम करेंगे ये फॉर्मूला विच यू नीड टू अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड लर्न मगअप वॉट एवर. पहले हम हमेशा इंटरेस्ट को हटाते हैं क्योंकि टैक्स हमेशा कर्जे को, कर्जे पर जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसके बाद जो बचता है उस पर ही टैक्स देते हैं. हम ओवरऑल इनकम पर टैक्स नहीं देते. तो पहले सिचुएशन में तो हमने कोई लोन लिया नहीं है तो हमें तो टोटल 4 लाख पर ही जो हमारा मतलब कि अर्निंग है उसी पर हमें टैक्स देना है, यानी कि हमें 1,20,000 टैक्स देना है. दूसरे सिचुएशन में हमने 10 लाख रुपए लोन ले रखा है तो 10 लाख के लिए हमें इंटरेस्ट 10% में 1 लाख देना है. ठीक है, तो 1 लाख दे दिया तो हमारे पास बचेगा 3 लाख रुपए एज प्रॉफिट एज अर्निंग. 3 लाख पर 30% इज 90,000. और तीसरे सिचुएशन में अगर हम जाते हैं तो हमने 20,000 20 लाख लोन दिया है, 10% यानी कि 2 लाख रुपीज हमें इंटरेस्ट देना है, यानी कि 4 लाख में से 2 लाख चला गया तो हमारे पास सिर्फ 2 लाख बचेगा. तो 2 लाख पर हमें वी हैव टू गिव द टैक्स यानी कि 60,000. दिस इज अ टैक्स वी हैव गिवन. राइट, अब हमारा EAT क्या है? EAT का मतलब हो जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स. हमने टैक्स भी दे दिया है, अब हमारा अर्निंग है 4 लाख में से हमने 1,20,000 रुपए टैक्स दे दिया तो 2,80,000. 4 लाख में से हमने मतलब कि इंटरेस्ट भी दे दिया और टैक्स भी दिया, हमारा बच गया 3 में से 90 गया 2,10,000 एंड यहाँ पर 1,40,000. तो ये हमारा अर्निंग है. अब हम इस अर्निंग को एनालाइज करते हैं बाय द नंबर ऑफ शेयर्स वी हैव पुट. दैट इज हमें 30 लाख रुपए था तो हम अगर कुछ नहीं दिया तो हम उसको 10 रुपए की वैल्यू से करते हैं, यानी कि 30 लाख का मतलब की मतलब है उसको डिवाइड किया तो 3 लाख शेयर्स. एंड देन वी कैलकुलेट 0.93, यहाँ हमारी अर्निंग थी, यहाँ पर शेयर हमारी 1.05 रुपी हमें फायदा मिल रहा है एंड यहाँ हमें 1.40 रुपी मिल. यानी कि इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम ज्यादा लोन लेते हैं तो हमारी अर्निंग जो है वो ज्यादा होती है. दैट मीन्स डेट से हमारे जो शेयर की वैल्यू है ओवर द पीरियड इंक्रीज होती है. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द EBIT EPS एनालिसिस. We will be doing this at length in the notebook with our own calculations so that you are better able to understand. But please do understand what will be the question. The question will be the proportion of debt into equity, and you will be given this word trading on equity. That is, it refers to the increase in profit earned by equity shareholders due to presence of fixed. This trading on equity will be the word. और इसके बाद हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, इट इज नॉट पार्ट बट आई एम जस्ट टेलिंग, ये आने के बाद ये वाला करने के बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें कितना फायदा हो रहा है ओवर अ पीरियड. हम लोगों को जो है शुड बी यूज मोर कैपिटल मोर डेप्ट और वी शुड गो फॉर मोर इक्विटी शेयर. तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने से पहले वी हैव टू गो फॉर दिस कैलकुलेशन. दैट्स व्हाट वी वुड बी डूइंग.
देर वुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन लाइक इसमें डायरेक्टली आपका दिया हुआ है कि मतलब आपका जो एबिटा है वो इतना है. समटाइम्स यू मे नॉट बी गिवन इवन द एबिटा एंड यू मे बी आस्क यू हैव टू इवन कैलकुलेट वॉट इज एबिटा, तो वो भी देखना पड़ता है. आर ओ आई से हम कैलकुलेट करते हैं. दिस विल बी दिस इज वॉट वी कॉल एज कैपिटल स्ट्रक्चर. टू सम अप इन अ सिंपल वे, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है कि आप पैसा लगा रहे हो. अभी जो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि से इफ आई हैव टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख में मेरा पैसा कितना होगा और मैं अगर कर्जा लेता हूँ. अब कर्जा लेना है तो नेचुरल है कि कर्जा जब आप लोगे तो यू विल बी गिविंग द इंटरेस्ट ऑल्सो. तो इंटरेस्ट देने से आप जो अपना पैसा लगा रहे हो उस पर कितना आपको फायदा होगा, वेदर इट इज गुड. कई लोग होते हैं, मैं एक ऑन अ वेरी मतलब कि इवन दो इट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस बट एक जनरल बता रही हूँ, कई लोग क्या करते हैं, दे टेक एजुकेशनल लोन्स इवन दो दे हैव मनी बट दे वुड टेक लोन. व्हाई? बिकॉज लोन लेने से क्या फायदा होता है कि जो उनको उनकी जो इनकम होती है ना उस पर दे डोंट नीड टू गिव द एंटायर टैक्स. जो लोन पर हम इंटरेस्ट देते हैं ना वो टैक्स से बच जाता है. तो जो हमें टैक्स देना पड़ता है वो कम अर्निंग पर देना पड़ता है. एंड दैट ओवर अ पीरियड, मतलब अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ओवर द पीरियड हमें फायदा होता है. और इसीलिए मेनी कंपनीज गो फॉर मोर डेट एंड लेसर इक्विटी कैपिटल. दैट इज वॉट कैपिटल स्ट्रक्चर एंड हाउ टू एनालाइज द कैपिटल स्ट्रक्चर वी गो विद द कैलकुलेशन. वी वुड बी डूइंग द सेम कैलकुलेशन इन आवर नेक्स्ट क्लास. टिल देन रीड द चैप्टर अगेन एंड अगेन एंड कम बैक विद एनी काइंड ऑफ क्वेरीज यू हैव.